अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और हमारा नोटिफिकेशन पाने और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पड़ोसन का बर्तन। एक बार एक औरत ने अपने पड़ोसन से एक बर्तन उधार मांगा और दूसरे दिन उसने एक अन्य छोटे से बर्तन के साथ वह बर्तन वापस कर दिया। पड़ोसन को आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा कि वह छोटा बर्तन कहाँ से आया। औरत ने जवाब दिया, तुम्हारे बड़े बर्तन ने छोटे बर्तन को जन्म दिया है। उस औरत ने सोचा उसके पड़ोसन का दिमाग घूम गया है। उसने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वे एक और बर्तन पाकर बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसन बर्तन फिर उधार मांगा, मगर इस बार उसने बर्तन अपने पड़ोसन को वापस नहीं किया। सहेली के बर्तन वापस मांगने पर उसने कहा, बर्तन तुम्हारा बर्तन मर गया है। पड़ोसन ने हंसकर उससे पूछा कि बर्तन कैसे मर सकता है। इस पर उस औरत ने बड़ी चतुराई से कहा, अगर तुम्हारा बर्तन दूसरे बर्तन को जन्म दे सकता है तो मर भी सकता है। यह सुनकर पड़ोसन दंग रह गई, मगर अब उस पड़ोसन के पास बर्तन को खो देने के अलावा कोई दूसरा चुनाव नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अनेकों बार हम छोटे से लाभ के लिए अपने आप को मुसीबतों में डाल देते हैं। अतः हमें तात्कालिक लाभ नहीं देखते हुए किसी विषय पर विस्तार पूर्वक सोचना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है।